अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में एक और फिल्टर्स के थ्रू जो है वो हम कुछ ट्राई करते हैं। लास्ट उसमें आपने करना ये है, वेंडर आपने अप्लाई किया था हमने एक सेशन में, तो क्लाउड्स अप्लाई किया था। क्लाउड्स में मैं कलर जो है वो ब्लैक एंड वाइट ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से क्लाउड अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लाउड के बाद जो है मैंने इस पे रहते हुए दोबारा से इसको मैंने डिफरेंस क्लाउड्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है इमेज में, एडजस्टमेंट में, और जहाँ पे आपको ये इन्वर्ट का एक ऑप्शन दे रहा होगा ये इसको अपोजिट कर देगा, यानी कि जो एरिया वाइट है उसको ब्लैक कर देगा और जो ब्लैक एरिया है उसको वाइट कर देगा। तो मैं कंट्रोल आई कर लें आप, या इन्वर्ट का ऑप्शन अप्लाई कर लें, तो ये आपको इस तरह का इफेक्ट दिखा देगा, ठीक। उसके बाद इमेज में आप चले जाएंगे, एडजस्टमेंट और लेवल्स इसका जो है वो बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, तो ये आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने इसमें एक और इफेक्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिल्टर में जाऊंगा रेंडर्स, और फिल्टर में जाऊंगा ब्लर, और यहाँ से मैं ले लूंगा रेडियल ब्लर, ठीक है। इससे पहले मोशन ब्लर में डिस्कस किया था, रेडियल ब्लर मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं जो है इसको स्पिन अगर अप्लाई करता हूँ इसके, और मैं ओके कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देगा, ठीक है। और अगर इसी में मैं जाता हूँ और मैं इसको जूम पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देगा, ठीक। अब इसको मजीद आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ से फिल्टर में जाएं, लास्ट टाइम जो भी आपने फिल्टर अप्लाई किया होता है वो यहाँ पे आ जाता है, तो आप दोबारा से यहाँ क्लिक कर दें तो आपको फिर यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम मैंने इसको अप्लाई किया, ठीक है। अब आप इसके कलर्स वगैरह अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इमेज में आ जाएं, एडजस्टमेंट, और यहाँ से ह्यू सैचुरेशन वाला आपने कलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने अभी आप देखें इसको इफेक्ट दे रहे हैं तो कोई चेंजेस इसमें आपको ये शोर नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कलराइज पे चेक लगा देता हूँ, तो अब ये देखें आपको जो भी कलर का इफेक्ट चाहिए वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। से इसका सेचुरेशन बढ़ा देता हूँ, ये मकसद बताने का है कि फिल्टर के साथ जो है वो आप कलर्स वगैरह से भी जो है इफेक्ट्स वगैरह अपने वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसी में आपको ट्रिल का ऑप्शन दिया हुआ है फिल्टर में, ये डिस्टॉर्ट, तो ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्टॉर्ट ट्रिल में जाके इसको आप ट्रिल भी कर सकते हैं, ओके कर दें, तब ये इस तरह का आ गया। मजीद करना है तो दोबारा से अप्लाई कर दें इसको, ये और अप्लाई हो जाएगा, वैसे ही रखना था वैसे ही कर दें, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है वो आप अपने क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। इसको आप मजीद इफेक्ट देना चाह रहे हैं तो इसके आप डुप्लीकेट लिया देख ले सकते हैं यहाँ से, और इसको मैं कर देता हूँ फिलिप हॉरिजेंटल, ठीक है। और यहाँ से मैं इसका मॉड चेंज करता हूँ, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो देखिए चेंज हो गया। इसी तरह से अगर आप लाइनर करके देख लें, मेंटेन करके देख लें, ठीक है। तो डिफरेंट आपको ये कलर मोड से जो है वो डिफरेंट इस आपको इफेक्ट्स बना के दिखा देगा, ये आपको अच्छा लग रहा है इसको आप बोल सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।